आई बड़ी खबर, IRFC जाएगा 100 रुपए के पार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चौंक गए क्या सुन के भाई? IRFC जा सकता है, जाने को भाई 5-10 साल में 100 रुपए से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी हमें करना है क्या, अच्छे प्राइस पे बाई करना है। और IRFC में मुझे वैल्यू दिखती है। अभी मैं आपको न्यूज बताऊंगा, न्यूज क्या है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें पहला तो ये है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो गया है 600 बिलियन डॉलर के आसपास क्रॉस कर देगा, तो ये पॉजिटिव न्यूज है पूरी मार्केट के लिए। उसके अलावा अगर आप दूसरी देखेंगे न्यूज़, तो ये भाई शक्तिकांत दास हैं जो RBI के चीफ, इन्होंने कहा है RBI मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट कोविड बेटेड हॉस्पिटलिटी सेक्टर गेट ₹15,000 करोड़ शॉर्ट इन द आर्म फ्रॉम RBI। तो जो भी कोविड से इफेक्टेड हुए हैं सेक्टर, उनको भाई हेल्प करेगा भाई RBI 15,000 करोड़ के आसपास। तो इस न्यूज की वजह से हो सकता है IRFC भागे, और IRFC भाग सकता है, और IRFC में मुझे वैल्यू इसलिए दिखती है, उसको बताऊंगा। तो बात करेंगे IRFC की, तो भाई इसको इग्नोर किया जा रहा है इस स्टॉक को, और ये बैंकिंग फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस स्पेस का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है इसको, आपको पता ही है। और ये भाई आप देख सकते हैं 0 NPA है इनके, और ये भाई कंटिन्यू रख सकते हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले ये भाई इनका लिस्टेड भी हुए थे FTSE में, तो इंटरनेशनली भी लिस्टेड हो रखी है ये कंपनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करेंगे डिविडेंड डील की, शानदार डिविडेंड डील है। अगर ग्रो की बात करेंगे तो 20% का एक्सपेक्टेड है ग्रोथ यहाँ से, 20%। और तो मुझे लगता है कि भाई बुक वैल्यू भी अच्छी है, डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी, तो सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर इसकी भाई लिमिट बहुत है, ऊपर इसका ऊपर कहीं पर भी जा सकता है। अब सीधे चार्ट पे लेके चलता हूँ। और जब ये आया था भाई 21 रुपये के आसपास, तभी मैंने बताया था ये 20 रुपये से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो बिल्कुल भी गया नहीं। फिर यहाँ से भाई एक इसमें आ गया बाउंस बैक, और जब तक भाई ये जो इसका जो लिस्टेड हुआ था अपने IPO के प्राइस पर 25 रुपये कुछ पैसे के आसपास लिस्टेड हुआ था, उससे नीचे चलता है तो मुझे वैल्यू दिखती है स्टॉक में, तो उसके नीचे नीचे आप स्टॉक खरीद सकते हैं। और जब ये स्टॉक इसको पार कर जाएगा तो भाई फिर इसमें इसकी अपसाइड चालू हो जाएगी। और अभी काफ़ी भाई अंडर वैल्यूड है स्टॉक, स्टॉक में काफ़ी वैल्यू दिखती है, जहां आपने देखा होगा IPO के बाद से स्टॉक भागे जा रहे हैं, और ये भाई IPO के बाद से गिरा था, और उसके बाद से बिल्कुल भी भागा हुआ स्टॉक नहीं है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इसमें भाई ग्रोथ हो सकती है अच्छी खासी, और यहाँ पर इसका जो डाउन साइड है वो यही आएगा 21 रुपये के आसपास, इससे नीचे डाउन साइड है नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो RSI काफ़ी स्ट्रांग है 65 की, और यहाँ पर बाय सिग्नल बन जाएगा, सेल सिग्नल बनने वाला था, लेकिन जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई तो बाय सिग्नल बन जाएगा। तो मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया है, आपको क्या करना है आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी रही, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, आप अदर यूट्यूबर चैनल देख सकते हैं, अदर एनालिस्ट की बातें सुन सकते हैं, न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, और अपना एक व्यू बना सकते हैं। जो मेरा व्यू था वो मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है। और बाकी नए आए यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।